हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 16, दैट इज द लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन। ओके, यस्टरडे वी स्टार्टेड दिस चैप्टर। दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट्स दैट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, the life of the people who live there, who live in these states, about their culture, about their language. Okay, so we are discussing in this chapter about the lifestyle of the people who lived in the northern mountains of our country, in the northern mountains that lie in the north of our country. Okay, so yesterday we discussed about two states, that is the Jammu and Kashmir, and the second one was Himachal Pradesh. Okay, we had discussed about these two states. Okay, we had discussed about the lifestyle of the people of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, which language they speak, okay, which crops they grow, okay, what type of climate is there, okay. तो हमने क्या किया था, हमने जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया था कल, ठीक है। ये दोनों स्टेट्स क्या हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में लाई करती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ा था कि जम्मू और कश्मीर क्या, जम्मू एंड कश्मीर जो है ये थ्री डिवीजन्स में हमने पढ़ा था कि डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। यह तीनों का क्या है, अपना अपना एक अलग अलग टाइप, अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पर लगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि कश्मीर में क्या है, कश्मीर जो है, कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। कश्मीर में क्या है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल कम टू कश्मीर टू विजिट हेयर। ओके, सो उसके बाद हमने किया था कि यहाँ पे ये कश्मीर जो है ये बहुत ही कोल्ड रीजन है ना, बहुत ही ठंडा इलाका है यहाँ पे। यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो गर्मियों में लगाई जाती हैं, और मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी यहाँ की, यहाँ की मेन क्रॉप्स थी राइस, मेज़, राजमा एटसेट्रा, ठीक है। और फ्रूट्स जो थे यहाँ पे एप्पल्स थे, एप्रिकॉट्स थे, वॉलनट्स थे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सैफ्रन था। सैफ्रन जो है यहाँ का फेमस है, क्योंकि सैफ्रन जो है कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि ये लोग कौन कौन से एनिमल्स पालते हैं, तो दैट इज़ गोट एंड शीप, ठीक है। गोट एंड शीप जो है ये लोग अपने अपने घरों में पालते हैं, और वो क्यों पालते हैं, फॉर वूल, ठीक है, ताकि इनको क्या मिल सके, वूल मिल सके, ठीक है। और कश्मीर जो है ये किसके लिए फेमस है, पश्मीना के लिए, किसके लिए, पश्मीना के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है ना, जो जहाँ की जो फेमस लेक है डल लेक एंड नागिन लेक, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं, है ना। और बोटिंग किस में की जाती है, शिकारा, इसमें शिकारा क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ द बोट, ये भी एक बोट की ही टाइप है, बट इसमें क्या रूम्स बने होते हैं, इस बोट में क्या होते हैं, रूम्स बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फिर लद्दाख की बात की थी, तो लद्दाख जो है, लद्दाख के जो लोग हैं वो कौन कौन से जानवर पालते हैं, वो पालते हैं यॉर्क एंड पश्मीना शीप,
ठीक है। और यहाँ पे जो कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है, बुद्धिज़्म, ठीक है। लद्दाख में कौन सा रिलीजन फॉलो, वहाँ के लोग कौन सा रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और इस्लाम रिलीजन भी वहाँ के लोग जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के बारे में, किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश जो है ये क्या है, ये भी एक माउंटेनियस स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है ये भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, और इसकी कैपिटल जो थी, कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की, शिमला। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या थी, उसकी कैपिटल थी श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या थी, श्रीनगर। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ के जो माउंटेन्स है वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं, सॉरी, जहाँ का हिमाचल प्रदेश का जो हमने पढ़ा था कि जो बॉर्डर है वो किन किन स्टेट्स के साथ लगता है, वो हमने पढ़ा था कि एक तो लगता है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ नॉर्थ में लगता है, उसके बाद पंजाब के साथ लगता है, पंजाब के साथ वो साउथ वेस्ट में लगता है, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ ही साउथ में लगता है, और उसके बाद ये लगता है उत्तराखंड के साथ, और उत्तराखंड के साथ ये साउथ ईस्ट में लगता है, ठीक है। और इसका जो टोटल एरिया था वो कितना था, 55,670 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया था इसका, 55,670 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं, मोस्टली फार्मर्स हैं, क्या हैं, फार्मर्स हैं। और यहाँ पे भी सेम क्रॉप्स लगाई जाती हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में लगाई जाती हैं, क्योंकि वो भी क्या है, जो कश्मीर में क्रॉप्स लगाई जाती हैं वैसी ही सेम क्रॉप्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी लगाई जाती हैं, क्योंकि कश्मीर भी क्या है, वो एक कोल्ड रीजन है, और हिमाचल प्रदेश भी क्या है, वो कोल्ड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, यहाँ पे भी राइस आ गया, मेज़ आ गई, बारले आ गया, ठीक है। और फ्रूट कौन कौन से लगाए जाते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स लगाए जाते हैं एप्पल, ठीक है, वहाँ पे भी एप्पल लगाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे प्लम्स हैं, पीचिस लगाए जाते हैं, ठीक है, पीचिस के साथ साथ और क्या लगाया जाता है, ग्रेप्स लगाए जाते हैं, पेयर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, एप्रिकॉट्स लगाए जाते हैं। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी जो है वो बहुत कॉमन लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ की हिंदी है, ठीक है। यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। उसके बाद हमने बोला, पढ़ा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसी ड्रेस पहनते हैं, वो लॉन्ग लूज वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और उसके साथ वो क्या पहनते हैं, पजामास पहनते हैं, ठीक है। और जो मेन हैं वो क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स पहनते हैं, टोपियाँ पहनते हैं जिनके ऊपर क्या कढ़ाई की गई होती है। और वुमेन जो हैं वो क्या करती हैं, स्काफ बांधती हैं सिर को, जिसको क्या बोला जाता है, धजू, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे हिमाचल में जो है ज़्यादातर हिंदू हैं, इसलिए वो लोग कौन से हिंदू फेस्टिवल जो है वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो फेमस हिल स्टेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, दो फेमस हिल स्टेशन है यहाँ पे, डलहौजी एंड सोलन। कौन कौन से हैं, डलहौजी और सोलन जो है यहाँ के दो फेमस हिल स्टेशंस हैं, ठीक है। तो ये सब जो था ये हमने पढ़ा था, ये आगे हिमाचल प्रदेश के बारे में और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है।
ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, आज हमने इसका सिर्फ ओवरव्यू किया है कि हम रिवाइज किया कि हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है। आज हम थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेट दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे आज हम? उत्तराखंड के बारे में। तो ये जो उत्तराखंड है इसको स्टेट जो है इसको कब स्टेट बनाया गया था, इसको जो स्टेट बना एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था वो बनाया गया था इसको 8th of November 2000 में, ठीक है। 2000 में ये क्या है, ये एक सेपरेट स्टेट जो थी वो बनाई गई थी, ठीक है। और उससे पहले ये किसका पार्ट थी, ये उससे पहले ये उत्तराखंड जो थी ये उत्तर प्रदेश का पार्ट थी, ठीक है। उसके बाद जो है उत्तराखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया 8th of November 2000 को, ठीक है। इसकी अपनी एक गवर्नमेंट बनी, ठीक है। मतलब जैसे बाकी स्टेट्स में होता है वैसे ही इसकी भी अपनी एक अलग से स्टेट गवर्नमेंट थी। इसको एक स्टेट का दर्जा मिला, कब मिला वो 8th of November 2000 को, ठीक है। और इसको जो था इसको अलग क्यों किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या था, एक बहुत उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है, वो है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद जो है उत्तरांचल, जिसको उत्तरांचल है, उत्तरांचल के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरांचल में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक है, अल्मोरा, नैनीताल, ठीक है, बागेश्वर, चंपावत, चंपावत, देन उसके बाद आता है उत्तरकाशी, ठीक है। उसके बाद आता है उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह के बाद आता है चमोली, ठीक है। चमोली के बाद आता है देहरादून, ठीक है। देहरादून के बाद आता है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, फिर उसके बाद आता है तेहरी गढ़वाल, तेहरी गढ़वाल, ठीक है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, और उसके बाद आता है हरिद्वार, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसके, उत्तरांचल के, ठीक है। किसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरांचल के, कौन कौन से, पिथौरागढ़, अल्मोरा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, तेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एंड हरिद्वार, ठीक है। ये क्या है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसके, उत्तरांचल के, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो हमारा उत्तराखंड है इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल वो है देहरादून, क्या है
देहरादून। देहरादून जो है वो उत्तराखंड की कैपिटल है, और उत्तराखंड के जो बॉर्डर हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं, वो लगते हैं उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ लगता है, कहाँ पे, टू नॉर्थ, नॉर्थ में तिब्बत के साथ लगता है, ठीक है, नेपाल इन द ईस्ट, ईस्ट में वो नेपाल के साथ लगता है, ठीक है, और स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगता है, ठीक है, उसके बाद वो लगता है उत्तर प्रदेश के साथ, कहाँ पे, इन वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, वेस्ट और साउथ में वो किसके साथ लगता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, किस किस के साथ लगता है, तिब्बत के साथ नॉर्थ में लगता है, नेपाल के साथ ईस्ट में लगता है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ वेस्ट और साउथ में लगता है, ठीक है, किसका, उत्तराखंड के जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो इस यहाँ की जो हिल्स हैं, क्योंकि ये नई स्टेट बनी है, ठीक है, तो इसकी जो फेमस हिल्स हैं वो कौन कौन सी हिल्स हैं यहाँ की, इस मतलब इस स्टेट को कौन कौन सी हिल जो है वो मिलके बनाती हैं, कौन कौन सी हिल्स हैं यहाँ पे, एक तो है गढ़वाल, गढ़वाल और दूसरी कुमान, ठीक है, कुमान, ठीक है, ये दो क्या है वहाँ की हिल्स हैं, फेमस हिल्स हैं, ठीक है, और भी जो है यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस पाई जाती हैं, जैसे हिमालय की रेंजेस पाई जाती हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स पाए जाते हैं, वैलीज पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ के जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मेजर रिवर कौन कौन से हैं, यहाँ पे दो मेजर रिवर्स हैं, वो हैं द गंगा एंड द जमुना, ये दो जो हैं उत्तराखंड के मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे दो ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, फेमस ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं यहाँ के, पिंडारी और गंगोत्री, गंगोत्री एंड पिंडारी, ठीक है, ये क्या है यहाँ के फेमस ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रहने का तरीका है वो क्या होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, यहाँ के लोगों को पहाड़ी, ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, पहाड़ी बोला, पहाड़ी लोग बोला जाता है, क्योंकि ये हिल्स पे रहते हैं, ये स्टेट जो है हिल पे सिचुएट करती है, दैट्स वाई यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, पहाड़ी लोग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि उसके बाद ये जो उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, इनको भी टू अलग अलग ट्राइब्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, किसमें डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग ट्राइब्स में जो है उत्तराखंड के लोगों को डिवाइड किया गया है, ठीक है, कैसे, दो यहाँ की हिल्स हैं, कौन कौन सी हिल्स थी, गढ़वाल और कुमौनी, कुमौन, ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे क्या है, इन यहाँ के लोगों को भी दो ट्राइब्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक उनको क्या बोला जाता है, गढ़वाली, गढ़वाली, और दूसरों को बोला जाता है कुमौनी, क्या बोला जाता है, कुमौनी, गढ़वाली बोला जाता है और कुमौनी बोला जाता है, ठीक है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, और बाकी के और भी जो और भी ट्राइब्स जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे जद, ठीक है, मार्चा, टोलचा, शुक्ला, शुक्ला,
बुक्शा, ये सारी क्या है वहाँ की ट्राइब्स हैं, ठीक है। जैसे उन इन लोगों को क्या है अलग अलग उनसे ट्राइब्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है ना। बुक्शा, उसके बाद थारू, जंसारी, भोटिया, राजी एंड गुज्जर, है ना, ठीक है। तो ये क्या है वहाँ की ट्राइब्स हैं। इन दो ट्राइब्स के अलावा बाकी जो वहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं वो ये ट्राइब्स जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। जदागी, मार्चागी, टोल्चागी, शोकलागी, बुक्शा, थारू, जंसारी, भोटिया, राजी एंड गुज्जर, ठीक है। तो ये क्या है वहाँ की ट्राइब्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो पहाड़ी एंड हिंदी, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ के लोग, पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं और हिंदी लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ के लोग, पहाड़ी और हिंदी, ठीक है। उसके बाद वो लोग कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल जो है वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली, दशहरा एटसेट्रा, क्योंकि वहाँ पे भी मैक्सिमम क्या है हिंदू पाए जाते हैं, तो इसलिए वो लोग भी हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। और उत्तराखंड से बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं आर्मी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बहुत से लोग जो है वहाँ पे आर्मी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ठीक है। लैंग्वेज की बात होगी, फेस्टिवल की बात होगी। अब आ जाता है क्योंकि ये माउंटेन रीजन है, तो यहाँ पे क्या है यहाँ के फेमस हिल स्टेशन की बात करेंगे अब हम, कि यहाँ पे कौन कौन से फेमस हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, कौन कौन से फेमस हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ये कैसा है ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे हिल स्टेशंस होते हैं, लोग क्या करते हैं गर्मियों में यहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे हिल स्टेशंस, मसूरी, मसूरी का नाम सुना है ना सभी ने, मसूरी, उसके बाद नैनीताल, अल्मोड़ा एटसेट्रा, ठीक है। ये कौन 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 से हिल स्टेशन हैं यहाँ पे, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस मतलब कि जो रिलीजन के मतलब यहाँ जो टूरिस्ट प्लेसेस तो हैं बट वो रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग जाते हैं घूम, मतलब वो घूमने भी जाते हैं और फिर वो रिलीजन की अगर नज़र से देखा जाए तब भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपने नाम सभी के सुने होंगे, एक कहा जाता है हरिद्वार, है ना। ये भी क्या है रिलीजियस प्लेस है ना, रिलीजियस प्लेस है ये, और लोग यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो आते हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार क्या है टूरिस्ट प्लेस है पर इसकी अपनी एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। सबसे पहले आ गया हरिद्वार, हरिद्वार के बाद है ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश के बाद आ जाता है गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री के बाद आता है यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है। कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस के, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री,
यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं हर साल जाते हैं, और ये रिलीजियस रिलीजन के उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनकी ये इनका रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, और हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में फेमस कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाए क्या ऑर्गेनाइज होता है, कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला जो होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो गंगा रिवर है वो हरिद्वार से फ्लो करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग जो है बहुत सारे लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड स्टेट कब बनी थी, उत्तराखंड स्टेट बनी थी 8 नवंबर 2000 को। ठीक है, उससे पहले ये किसका पार्ट थी, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट थी, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश क्या है, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी स्टेट में है इंडिया में, तो वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, उत्तराखंड की जो जो उत्तराखंड उसकी जो कैपिटल है वो है देहरादून, है ना, देहरादून है उत्तराखंड की कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे उत्तरांचल में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से पढ़े हमने, हमने पढ़े पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एंड हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो उत्तराखंड है उसका बॉर्डर जो है वो कहाँ कहाँ किस किस के साथ लगता है, वो सबसे पहले तिब्बत के साथ लगता है उत्तराखंड का बॉर्डर। ठीक है, नॉर्थ में, फिर नेपाल के साथ ईस्ट में लगता है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है वेस्ट और साउथ में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, ये किसके बारे में पढ़ा हमने, उत्तराखंड स्टेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेट का डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्टेट है हमारी सिक्किम। कौन सी है नेक्स्ट स्टेट, सिक्किम। ये भी जो है हमारी कंट्री के नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में है ये स्टेट, और सिक्किम जो है ये स्मॉल स्टेट है, स्मॉल स्टेट इन ईस्टर्न हिमालयस। अब आप सोचोगे कि हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की और ये ईस्टर्न हिमालयस में आ गया। ठीक है, तो देखो हिमालयस जो है, हिमालय कहाँ पे है, हिमालय नॉर्थ में है, हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ में है। ठीक है ना, अब हिमालय के ईस्ट में सिक्किम लाई करती है। अगर ऐसे देखा जाए तो सिक्किम भी नॉर्थ में ही है, बट हिमालय के ईस्ट में है। ठीक है, और हिमालय कहाँ पे है, हिमालय नॉर्थ में है। ठीक है ना, हिमालय खुद नॉर्थ में है, बट सिक्किम जो है हिमालय के ईस्ट में है, कंट्री के ईस्ट में नहीं है वो, हिमालय हिमालय के ईस्ट में है सिक्किम। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो वो नॉर्थ में है, बट अगर हिमालय के उस बेसिस पे देखा जाए तो हिमालय में वो ईस्ट में है। ठीक है, तो बेसिकली सिक्किम कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ वो नॉर्दर्न की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस आ गया, तो वो यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस की बात की गई है, और हिमालयस जो है वो खुद नॉर्थ में है। ठीक है ना, हिमालय कोई छोटा थोड़ी ना, हिमालय बहुत बड़ा है, और हिमालयस में ही बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है ना, तो सिक्किम जो है ऐसे तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में है, लेकिन हिमालय के ईस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, हाई माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं। ठीक है, और जो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक, पीक क्या होती है, चोटी। ठीक है, वो कौन सी हाईएस्ट पीक, वो है कंचन जुंगा, थर्ड हाईएस्ट पीक इन द
वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजुंगा है, और ये कहाँ पे लाई करती है? सिक्किम में। कहाँ पे लाई करती है? सिक्किम में, ठीक है। और ये जो है ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और सिक्किम की कैपिटल की अगर हम बात करें तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। क्या है सिक्किम की कैपिटल? गंगटोक। गंगटोक जो है इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सिक्किम में कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वहाँ के लोग जो है वो ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे राइस लगाए जाते हैं, वीट लगाए जाते हैं, मेज़ है, बार्ले है, ठीक है, उसके बाद पटेटोज हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो कौन कौन से क्रॉप्स लगाई जाती हैं वहाँ पे? राइस, वीट, मेज़, बार्ले, पोटैटो, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो सिक्किम स्टेट है ये किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स ऑर्चर्ड्स। किसके लिए फेमस है ये? ऑर्चर्ड्स के लिए। ऑर्चर्ड्स होते हैं बगीचे। क्या होते हैं ऑर्चर्ड्स? बगीचे। ये अपने बगीचों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और जहाँ पे किस चीज़ के ऑर्चर्ड्स पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं ओरेंजेस एंड एप्पल्स, ठीक है। किसके ऑर्चर्ड्स, किसके बगीचे जो है यहाँ पे पाए जाते हैं? ओरेंजेस और एप्पल्स के, ठीक है। ओरेंजेस और एप्पल्स के जो ऑर्चर्ड्स हैं वो सिक्किम में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो पाई जाती हैं, मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? वीविंग करते हैं, ठीक है, वीविंग करते हैं, कैनिंग करते हैं, ठीक है, एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, ठीक है। वीविंग करते हैं वहाँ, यहाँ के लोग कैनिंग करते हैं और हैंडीक्राफ्ट जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिक्किम के लोग हैं, ठीक है ना, सिक्किम में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है लेपचास एंड भूटियास। क्या बोला जाता है? लेपकास एंड भूटियास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेपालीज भी रहते हैं, नेपाल के लोग भी जो हैं वो सिक्किम में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे जो यहाँ के बेसिकली रहने वाले, जो परमानेंट रहने वाले